सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो गायनोकोलॉजिकल का एक प्रोसीजर है, सर्जरी तो नहीं कहते हैं लेकिन इसको सर्जिकल प्रोसीजर कह सकते हैं। इसको क्या है, डी एंड सी बोलते हैं, डी एंड सी नहीं हो, डी एंड सी। बहुत लोग क्या होते हैं ना, इसको कंफ्यूज लोग डी एन सी बोलते हैं, डी एन सी ये नहीं होती है, ये वर्ड गलत है। हम लोग बोलते हैं डी एंड सी बोलते हैं। ये क्या होता है डी एंड सी, उसको देख लेते हैं। गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर होती है ये, जैसे एक हम लोग पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक में, उसमें आता है जैसे डी एंड ई भी होती है, वो अलग प्रोसीजर होती है। एक होता है डी एंड आई होता है, ये अलग प्रोसीजर होती है। लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वह गायनोकोलॉजिकल का प्रोसीजर होती है ये, जिसको बोलते हैं डी एंड सी बोलते हैं। इसमें होती क्या है, डी का मतलब होता है यहाँ पर डायलेटेशन, डायलेटेशन ऑफ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, और सी का मतलब होता है क्यूरेट, क्यूरेट ऑफ इंडोमेट्रियम, क्यूरेट ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यानी कि दो पार्ट होती है इसमें, यानी कि सर्विस को डायलेट करके और इंडोमेट्रियम को क्यूरेट करना यानी खरोचने, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी एंड सी बोलते हैं। यह एक टोटल इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस होती है यह। अब क्या होती है इसमें, तो डी एंड सी इसी को बोलते हैं, यानी कि जो यूट्रस होता है उस यूट्रस को, यूट्रस नॉर्मली क्या होती है, यूट्रस में जो सर्विक्स होती है वह नॉर्मली में क्या होती है, वह क्लोज होती है, वह यूट्रस नॉर्मल में क्या होता है, वो क्लोज होता है। इस यूट्रस को डायलेट करके और अंदर के पार्ट को क्यूरेट करना होता है। इस क्यूरेट करने के प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं डी एंड सी बोलते हैं। दूसरी बात है, क्यों करते हैं ये, इसका दो एम होता है। पहला डायग्नोस्टिक एम, डायग्नोस्टिक एम का मतलब होता है कुछ ऐसी कंडीशन को देखने के लिए हम इसको, हम इस प्रोसीजर को करते हैं। यानी क्या डायग्नोस्टिक में होती है, इंडोमेट्रियम के डिजॉर्डर्स को देखने के लिए। इंडोमेट्रियम में क्या डिजॉर्डर्स को देखते हैं, अगर इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे नहीं हो रहा है कब, एमेनोरिया के केस में, ज़्यादा कब हो रहा है, पॉलीमेनोरिया के केस में, अब नॉर्मल ब्लीडिंग के केस में, ये सब केस में इंडोमेट्रियम को देखने के लिए हम इस प्रोसीजर कराते हैं। अगला होता है बाय द वे इनफर्टिलिटी को लिए, उसमें भी अगर इंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है, हो सकता है कि रिसेप्टर्स नहीं प्रॉपर बन रहे होंगे, इंडोमेट्रियम का थिकनेस इरेगुलर है, ये सब जानने के लिए हम लोग कराते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। यह मेरा है डायग्नोस्टिक एम। दूसरा होता है थेराप्यूटिक्स एम, थेराप्यूटिक्स में क्या होती है, इसको ट्रीटमेंट के लिए, जैसे किसी का इंडोमेट्रियम डैमेज कर गया हो, इंडोमेट्रियम सही ढंग से नहीं बन रहा हो, एमिनोरिया बार बार उसको क्या हो रही है, सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप हो जा रही है, बार बार रिपीटेशन हो रही है, उस कंडीशन में कभी कभी प्राइमरी एमिनोरिया में भी इसका हेल्प हो सकता है, मे भी हो सकता है, जो ही नहीं है हो सकता है। उसके बाद अगर इंडोमेट्रियम में कोई फ्रेगमेंट रह जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी वहाँ पर डेवलप कर रही है, 8 वीक से पहले का प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो 8 वीक से पहले का, या फिर टबलेट एवर्सन कराया गया है या इनकम्प्लीट एवर्सन है, इस सारे केस में डीएनसी करते हैं। तो ये सब दो एम हुआ, एक डायग्नोस्टिक एम हुआ, एक थेरापेटिक एम होता है, ये दो तरीका होता है। अब आते हैं बात इसमें लोग कि इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। पहली बात होती है टाइम ड्यूरेशन के बारे में, टाइम ड्यूरेशन की जरूरत होती है। टाइम ड्यूरेशन में क्या, डायग्नोस्टिक यूज के लिए हमको क्या करना होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियल बायोप्सी बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक यूज के लिए हमें कब जरूरत पड़ती है, ये हम लोग मेंस्ट्रुएशन के 22वें दिन इससे लेके 24वें दिन के बीच में ये हम लोग इंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। तो डायग्नोस्टिक के लिए तो डेट फिक्स है कि 22वें 24वें दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन इसलिए करते हैं 22वें 24वें दिन, क्योंकि 22वें दिन क्या होती है, जब इंडोमेट्रियम का यूज नहीं होता है तो अब यह इनएक्टिव होने के स्टार्ट हो जाता है उस समय से। 21वें दिन में इम्प्लांटेशन होती है, अगर 21वें दिन इम्प्लांटेशन नहीं होती है बाय द वे तो 22वें दिन से क्या होती है, इस्केमिया होने लगता है। तो उस समय एक इंडोमेट्रियम का प्रॉपर थिकनेस मिलता है, एक्चुअल अमाउंट मिलता है उस समय। इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर कि उस समय हम लोग इंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं उस समय। तो इंडोमेट्रियल बायोप्सी का डेट फिक्स होती है
और उस समय क्या है कि थिकनेस भी अच्छा मिलता है, सेल भी अच्छा मिलता है। और इंडोमेट्रियम बायोप्सी के लिए बता दिए क्यों करते हैं हम लोग, जानने के लिए कि इंडोमेट्रियम का करेक्टर क्या है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, एमिनोरिया है, इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, पॉलिप है, ट्यूमर है, कुछ भी सारे केस में, या बल्कि यूट्रस है, ये सारे केस में हमें वह कराना पड़ता है डायग्नोस्टिक के लिए। तो यह मेरा था इंडोमेट्रियल बायोप्सी के टाइम ड्यूरेशन। दूसरा होता है थेरापीटिस के लिए, उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, जब मन जब जरूरत पड़ रहा हो, ब्लीडिंग आज हो रही है तो हमें आज ही करना पड़ेगा ना कल करना होगा, तो इसलिए होता है थेरापीटिस के लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती है। चलिए ये तो हो गया मेरा टाइम का रिक्वायरमेंट। दूसरा होती है इसमें हम लोग को समय इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट और प्लस मेडिसिन के बारे में। तो इसमें जो हम लोग इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट जो लेते हैं हम लोग, तो इसमें पहला लेते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में क्या लेते हैं, सबसे पहला लेते हैं सिम्स स्पेकुलम लेते हैं। सिम्स स्पेकुलम, सिम्स स्पेकुलम जो होती है वह स्टील वेयर का होता है, सी सेप होता है, हुआ सी सेप होता है, इस तरह का बना हुआ होता है सी सेप, जैसे आपको मिलेगा यहाँ पर। यह सिम्स स्पेकुलम है और यह सिम्स स्पेकुलम सी सेप का होता है ये, और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा राउंड सेप बना हुआ है, ब्लंट राउंड है, यहाँ पे ब्लंट राउंड है, यहाँ पे इस तरह से पीट बना हुआ है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं लोग वेजाइना में पोस्टीरियर पार्ट में इसको इंसर्ट करते हैं। क्यों इंसर्ट करते हैं, तो वेजाइनल पार्ट को वाइड करने के लिए, ताकि हम आसानी से हम इस प्रोसेस को कर सके। तो सिम्स स्पेकुलम को हम इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, पोस्टीरियर पार्ट में इंसर्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि वेजाइना का जो पार्ट होता है ना जो वाइड हो जाता है, वाइड करने के बाद क्या होता है कि इस प्रोसीजर को करने में आसानी हो जाती है इसीलिए। और यही नहीं, सिम्स स्पेकुलम का यूज हम लोग कई जगह यूज करते हैं, कई जगह यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए डीएनई में भी करते हैं, अगर हमें कॉपर टी लगाना हो वहां भी यूज करते हैं, अगर हमें डीएनई करना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है वहां भी करते हैं। तो कई जगह हम लोग क्या करते हैं, इस स्पेकुलम का यूज करते हैं, सिम्स स्पेकुलम का, जहां भी हमें जरूरत पड़ता है, डीएनसी डीएनआई आईयूसीडी के लिए या फिर कोई और भी प्रोसीजर करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, इसमें पेरिनियम के लिए, या पेरिनियम है ना, तो इसमें इंसर्ट करके और इधर की तरफ नीचे की तरफ क्या करते हैं, क्योंकि पेशेंट तो लिथोटोमी में होता है पोजिशन में, तो उसको क्या करते हैं नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वेजाइना वाइड हो जाता है और हम आसानी से प्रोसीजर कर सकते हैं। यह मेरा है सिम्स स्पेकुलम होती है। नंबर टू जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका जिसके नाम से यह है बना हुआ ये डीएनसी, उसको बोलते हैं सर्विक्स डायलेटर बोलते हैं, सर्विक्स डायलेटर। सर्विक्स डायलेटर जो होती है वह आपका ब्लंट होती है ना, ये आपका जैसे ये भी स्टील का बना होता है, इसका भी कई नंबर होता है, 3, 4, 5, 14, 15, 16 तक। ये जो इंस्ट्रूमेंट होती है जो ये ब्लंट देख रहे हो ना, स्टील का बना होता है ये। अब इसका काम क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, जैसे जैसे यह नंबर बढ़ता है मोटापा बढ़ते जाता है इसका, इसके लिए वैसा ही होती है। अब इसको क्या करते हैं कि इसका काम होता है कि सर्विक्स में इसको हम इंसर्ट करके उसको डायलेट करते हैं, क्योंकि तो नॉर्मल में सर्विक्स क्या रहता है, क्लोज रहता है, और लगभग इससे हमको 1 सेंटीमीटर तक डायलेट करना पड़ता है, यानी कि नॉर्मल में सर्विक्स क्या होती है 0.2 या 0.3 mm होता है mm में, और यही सॉरी 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर होता है, और ये लगभग हमें कम से कम 1 सेंटीमीटर तक इसको क्या करना पड़ता है, डायलेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स डायलेटर। इसका यूज हम लोग डीएनसी के लिए तो करते ही हैं, और कभी कभी जैसे हमको यूट्रस में अगर बाय द वे कोई कॉपर टी वगैरह भी लगाना हो अगर बाय द वे, तो वहाँ भी हम सर्विक्स डायलेटर यूज करते हैं, निकालना हो कॉपर टी तब भी यूज करते हैं वहाँ पे, तो सर्विक्स डायलेटर का यूज हम लोग कई जगह यूज करते हैं। नंबर थ्री अगला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं वोल्सेलम टूथ फोर्सेप बोलते हैं, वोल्सेलम टूथ फोर्सेप, वोल्सेलम टूथ फोर्सेप। इसका टूथ फोर्सेप इसलिए नाम पड़ा है ना कि इस जो फोर्सेप जो होती है, इस फोर्सेप में
यहाँ पर जो माउथ होती है यहाँ पर टीथ जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, यहाँ पर टीथ जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, और ये जो होती है इसका जो पार्ट होता है इस फोर्सेप का, यहाँ पे ये पकड़ने वाला होता है हैंडल, यहाँ पे हैंडल हो गया, यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ लॉकर होता है, यहाँ पे लॉकर, यहाँ पर चार पार्ट होता है, यहाँ माउथ बोलते हैं जहाँ टीथ होती है, यहाँ बॉडी होता है, यहाँ हैंडल होता है, यहाँ लॉकर होता है, यानी टोटल इसमें जो होती है ना वो चार पार्ट होते हैं। देखिए ये है बोलसेलम टूथ फोर्सेप है, इसमें भी चार पार्ट है, बता ही रहे थे आपको। देखिए आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर टीथ बना हुआ है, टीथ जैसा स्ट्रक्चर बना होता है इसलिए इसको बोलते हैं टीथ बोलते हैं, और यहाँ पर लॉकर, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, ये लॉकर होता है, यहाँ पर हम लोग फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद ये कभी ऐसे नहीं खुल रही है जब तक इसको हम डायरेक्शन से नहीं खोलते हैं, तो इसे डायरेक्शन से खोलना पड़ता है। देखिए और ये बोलसेलम टूथ फोर्सेप का काम क्या होता है कि इस फोर्सेप को क्या करते हैं हम लोग कि इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, सर्विक्स को इससे क्या करते हैं पकड़ते हैं, कैच करते हैं, तो इसका यूज होता है सर्विक्स को कैच करने के लिए, सर्विक्स को होल्ड करते हैं, और उससे क्या होते हैं कि हम लोग यूट्रस को बाहर की तरफ पुल करते हैं, तो इसका काम होता है सर्विक्स को बाहर की तरफ खींचना होता है। अब इसका यूज कब कब करते हैं, एक तो डीएनसी में यूज करते हैं, डीएनई में भी करते हैं, प्लस और भी हमें अगर यूट्रस का कोई प्रोसीजर करना हो, आईयूसीडी के लिए चाहे कोई और भी प्रोसीजर, वो सारे जगह इंसेमिनेशन करने के लिए, जायगोट इम्प्लांट करने के लिए, ओवा कलेक्शन करने के लिए, कई जगह इसका यूज करते हैं। बस इसका काम क्या होता है ना, सर्विस को पकड़ना है। अब जहां जहां जरूरत पड़े हम लोग इसको पकड़ यूज कर सकते हैं। तो यह मेरा हो गया अगला इंस्ट्रूमेंट। अब जो इसके बाद जो आता है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो अब आता है उसको बोलते हैं क्यूरेट ब्लेड, या क्यूरेटाज ब्लेड कहते हैं इसको, क्यूरेटाज ब्लेड या क्यूरेट ब्लेड, क्यूरेटाज ब्लेड कहते हैं। नाम से तो लगता है कि ब्लेड ब्लेड जैसा होगा, लेकिन ब्लेड वो ऐसा नहीं होता है, ये ब्लेड ये है, इसको क्यूरेटाज ब्लेड कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका दो इंड होता है ना, इसमें दो इंड भी है, पार्ट बता देते हैं। इसमें जब क्यूरेटाज ब्लेड को आप देखिएगा तो इस ब्लेड में ऐसा इसमें आपको मिलेंगे, बीच में आपका होता है मार्किंग होता है, यहाँ पे एक तरफ होता है ब्लंट, एक तरफ होता है शार्प एज होता है, शार्प इंड, शार्प इंड। आप इस देखिए, ये आप बड़ी गौर से देख रहे होंगे, ये ब्लेड जो देख रहे हैं बीच में जो देख रहे हैं ना, ये मार्किंग बना हुआ है, ये मार्किंग की बहुत अच्छा वैल्यू है, इसको हम प्रोसीजर में बता देंगे आपको। और यहाँ पर एक इंड ये होता है जिसको शार्प इंड कहते हैं, और इधर में होता है जो ब्लंट इंड होती है। अब क्या होता है कि यही मेन होती है, इसका यूज कहाँ पे होती है, इसका यूज नाम ही है क्यूरेटाज, क्यूरेट करना, यानी इसका यूज क्या है, इंडोमेट्रियम को इसे क्यूरेट करते हैं। तो ये मेरा हो गया, मेरा क्या हो गया इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूट्राइन साउंड बोलते हैं, यूट्राइन साउंड से जो होता है यूट्रस के हम लोग लेकर आते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट होती है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप जो होती है इसका काम क्या होता है ना कि जो ड्रेसिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, तो ये स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप बोलते हैं इसको हम लोग। आगे की बात हम लोग करते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, मेडिसिनल रिक्वायरमेंट, मेडिसिनल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है उसके लिए, और प्लस और भी कुछ डिस्पोजेबल आइटम चाहिए। तो आपका अगला रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगला आइटम में लिखेंगे रबर का थिएटर, ये जरूरत पड़ती है। रबर का थिएटर सिंगल यूज वाला होता है, फॉलिस का थिएटर नहीं, रबर का थिएटर जो सिंगल यूज की होती है। दूसरा एनिमा यूज करते हैं, एनिमा लेते हैं, एनिमा का यूज कहाँ करेंगे, रबर का थिएटर का यूज कहाँ पे करेंगे, रबर का थिएटर यूज करेंगे हम लोग ब्लैडर से यूरिन को बाहर करने के लिए, क्योंकि इस पेल्विक को पूरा खाली करना होता है, तो ब्लैडर से यूरिन को वॉइड करने के लिए यूज करेंगे रबर का थिएटर। अगला होता है एनिमा, एनिमा का यूज लेते हैं, एनिमा लेते हैं हम लोग रेक्टम से स्टूल को पास आउट करने के लिए। तो अगला रिक्वायरमेंट हो गया आपका क्या, एनिमा हो गया, ये सब तो डिस्पोजेबल हो जाता है ना पूरा। इसके बाद अगला क्या होती है, ग्लव्स, अपने हिसाब से 6.5-7 नंबर जो भी आपको यूज करना हो आप ले सकते हो ग्लव्स, ग्लव्स का तो यूज तो मल्टीपर्पज होती है। अगला रिक्वायरमेंट लेते हैं नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन का यूज क्या करते हैं लोग, वॉश करने के लिए लेते हैं,
प्लस कुछ सब्सटेंस को डाइल्यूट करने के लिए लेते हैं। अगला रिक्वायरमेंट इसके लिए लेते हैं हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे कॉम्पोज इंजेक्शन लेते हैं नींद के लिए, उसको देना पड़ेगा। केटामिन इंजेक्शन लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए, और प्लस जो बाकी तो जो सिरिंज हो गया ये सब की यूज करते हैं। और मिसोप्रोस टेबलेट लेना पड़ेगा, मिसोप्रोस टेबलेट लेना होगा मेडिसिनल सर्विस को डायलेट करने के लिए। तो इतना रिक्वायरमेंट हम ले लेते हैं। अब इसके बाद की बात आती है प्रोसीजर, यानी कि हम कैसे करते हैं हम लोग डीएनसी। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप कि कैसे करते हैं प्रोसीजर। दूसरा हम लोग बताएंगे कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तीसरा बताएंगे इसका मैनेजमेंट क्या होगा। सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाते हैं। थैंक्स।